साहिब मेरी नजर में तेरी नजर का नूर दे, दे साहिब दे दे मुझे तू भक्ति का कोई साहिबानी में कह रहे तुरिया अतीत ताह के पारा उसके भी पार विनती करे तहदास तुम्हारा जहां बिल्कुल भी मन नहीं है। इसलिए आपके इस अहिंसा के साथ में कई चीजों का मिश्रण है, कई चीजें मिली मिली हुई हैं और जब तक भी मन के आप क्षेत्र में हैं उसका मिश्रण है, पुनर्जन्म होगा वैसे ही होगा। जैसे अगर शुद्ध घी भी है उसमें लस्सी की मात्रा है तो खराब होना ही होना है, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब, इसलिए इन अवस्थाओं में भी पहुंचने वाला आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए साहब कह रहे नहीं माया नहीं काया हो चल हंसा हमारे देश में जहां माया नहीं, अवधु छोड़ो मन विस्तारा जो पद गो जाए से सदगत पार ब्रह्म से न्यारा। देखो पार ब्रह्म से भी न्यारा, भाभी पार ब्रह्म से न्यारा। स्थूल सूक्ष्म कारण इन मिल भोग बनाया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे इसी से भोग वासना है। विश्व तेज पर परे आत्मा इनमें सार न जाना, ये विष की सेज है, ये जग ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा तो भी सस्ता जान। ये तीन लोक की ब्रह्मांक है, ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांक है और इस स्वप्न में बड़े बड़े झूल रहे हैं। साहब कह रहे हैं इससे कोई न्यारा नहीं हो पा रहे हैं। पांच कोश नीचे कर देखो इनमें सार न जानी, चित्त कोश मन कोश जीव कोश अन्न कोश माया कोश आदि, ये सभी समस्त में माया ही माया है। पांच ज्ञान और पांच कर्म है ये दस इंद्री माही, पांच ज्ञान पांच कर्म आदि ये भी इंद्रियों के अंदर है। चित्त सोई अनंत कर्ण बखानो इनमें सार न जानो, कूर्म शेष और सकल सबल धनंजय देवदत्त कह देखो कूर्म वायु, ये जितनी भी वायु हैं ये भी सब बंधन कारक हैं। चौदह इंद्रिय ये सब काल बखानो, पांच कर्म पांच ज्ञानेन्द्रियां चार अंतःकरण की चौदह इंद्रियां ये सब काल का तमाशा देखने वाली है, इनमें सत्य को देखने की ताकत नहीं है, ये आपको भ्रमांक अवस्था में ले जाएगी। जो आप आंखों से देख रहे हैं कह रहे हैं आंखों देखी बात मानना, आंख देखा भी भ्रम है भाइयों। भ्रंग मता होय जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा, पता है सदगुरु क्या करता है इन्हीं सभी अवस्थाओं से परे कर देता है। इन सभी अवस्थाओं का प्रभाव किस पर है, इन समस्त अवस्थाओं का प्रभाव आपकी सुरती पर है, आपकी चेतना पर है। खास चीज ये है जैसे समस्त वायरस जितने भी कीटाणु हैं उन सब का हमला हमारे सेहत में किस पर है, खून पर। खून बहुत स्वादिष्ट है इसलिए स्वादिष्ट है भोजन से लार बना, लार रस है भोजन के वही रक्त में परिवर्तित होते हैं इसलिए रक्त भी स्वादिष्ट है, पर रक्त वर्जित है खाना। हर एक कीटाणु का हमला ही खून पर है, काल पुरुष का हमला सुरती पर है, यही चेतन और आनंदमय है। 24 घंटे ये सुरती को मन और माया हमला कर रही है, चेतन है बड़ी, इसलिए सुरती माया में भटक रही है और मन सुरती को भटका रहा है। सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। इसलिए देवत्व में कहाँ आनंद है, देवत्व में भी शरीर है, देवताओं का शरीर है जहाँ शरीर है आत्मा कैसी। चार मुक्तियों में कहाँ आनंद है, जहाँ चार मुक्तियाँ हैं वहाँ अवधि है, एक शरीर है, इसलिए चार मुक्तियां भी आनंद से परे हैं। साहब कह रहे हैं स्थाई घर वहां घर को खोजो रे भाई, आवागमन जहां से जीव का आवागमन मिट जाए। साहब ने खंडन नहीं किया, हाँ गुणवत्ता बताई
जिस भक्ति से क्या क्या आपको प्राप्त होने वाला है इसके विषय में कहा। जब तक ये जीव सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा, ये जीवात्मा चाहे कितना भी योग करे, सात दीप समग्र पृथ्वी की परिक्रमा भी करके आ जाए, पर नाम के बिना ये संसार सागर से पार किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। मैंने अभी आपसे कहा भ्रंग मता होए जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा, जिसके पास भ्रंग मत है वो गुरु सत्य है। ये भ्रंग मता क्या है, जैसे भ्रंगा अपनी आवाज से कीट को अपनी तरह बना देता है, एक अदद गुरु की श्रुति में इतनी ताकत होती है, वाणी में इतनी ताकत होती है कि अपनी आवाज और अपनी वाणी से भी आपको बदल देगा। उनके शब्दों में बड़ी विशेष चेतना होती है, अपने शब्दों से वो आपको बिल्कुल परिवर्तित कर देंगे। उनके शब्दों में एक नितांत बेहद बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए कह रहे हैं भ्रंग मता होए जय पासा वही गुरु सत्य धर्मदासा, जिसके पास भ्रंग मता है वही गुरु सत्य है। इसलिए आपके पास नाम की प्राप्ति के बाद एक बेहद ताकत आ जाती है, वो ताकत आपको चेतन करेगी। इसके बिना संसार में कभी भी जीव चेतन अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब तक शुद्ध चेतना उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में मन बिल्कुल आपसे अलग होगा। आप देखते हैं लोहार लोहे का खोट निकालने के लिए आग में डालता है, सुनार सोने का खोट निकालने के लिए तपाता है। इस तरह सुरती के अंदर बड़ा खोट है, बड़े आवरण हैं, ये गुरुत्व में समा करके निर्मल हो जाएगी। गुरु का ध्यान अगर शास्त्रों में वर्णित किया गया है, शास्त्रों में अगर गुरु के ध्यान को महात्म दिया गया है तो इसका एक महत्व है। सुरत बांध स्थिर करो गुरुमे दे समाय, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखाए। सुरत का खेल सारा है, ये श्रुति जब एक अदद और पूर्ण गुरु में समाने लगती है, निर्मल होने लगती है। जब श्रुति पूर्ण निर्मल हो जाती है, श्रुति के ऊपर से आवरण हट जाते हैं, उसका प्रकाश अनुभव होता है। जब उसका प्रकाश अनुभव होगा हृदय क्षेत्र बिल्कुल भी ठीक से समझ में आने लगेगा कि हृदय के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये समस्या का निदान। बाकी सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, चाहे कितनी भी यात्राएं करे, कितनी भी परिक्रमाएं कर दे, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमाएं करके आ जाएगा, तब भी आपके अंतःकरण पर पड़े हुए पर्दे, आपकी श्रुति पर पड़े हुए पर्दे कभी भी नहीं हट पाएंगे। सार शब्द के बिना ये जीव, सच्चे नाम के बिना ये जीव किसी भी कीमत में सफा नहीं हो सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांग करे जो कोई। नाम बिना सब्बित सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊँच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। इसलिए ये परम औषधि है, ये जोरदार चीज़ है, ये साधक अपनी ताकत से प्राप्त नहीं कर सकता है किसी भी कीमत में। ये नाम पोथियों में मिल ही नहीं सकता है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। क्या हम धर्मशास्त्रों के खिलाफ हैं? कतई नहीं, वो तो आपको दिशा दे रहे हैं, वो सीधा गुरु तक पहुँचा दे। वाह भाई वाह, साहेब की वाणी में बड़ा वजन है। गुरु कहे संत को पूजिए, साध कहे गुरु पूज, साध गुरु के बीच में भई अगम की सूझ। कह रहे हैं जब भी संत, गुरुजन कहते हैं संतों के पास ये तत्व है, जब आप संतों के पास जाते संत सीधा कहते हैं गुरु के पास पहुंचो। सदगुरु क्यों संतों का दिशा बता रहा है? वो जानते हैं कि संत से गुरु का ही महात्म बोलेंगे। साध गुरु कहे साध को पूजिए, साध कहे गुरु पूज, साध गुरु के बीच में भई अगम की सूझ। कि भाई साध कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं साध संत के पास जा बताएगा। और जब ये संत के पास जाता है, संत कहता है अरे बावरे भटक रहे हैं, गुरु की शरण में जा, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। इस तरह दोनों के बीच भागते दौड़ते ही परम पुरुष की प्राप्ति हो गई। वाह भाई, इसलिए सार शब्द सदगुरु से पाए तब हंसा सतलोक सिधाए। बड़ा बहुत बड़ा महात्म दे रहे हैं, सार शब्द सतपुरुष का आया। आगे फिर कह रहे हैं वो खुद ही मालिक है वो। इसलिए आप नाम की प्राप्ति के बाद एहसास करते होंगे एक प्रज्ञा महाप्रज्ञावान पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ है स्थिर रूप में। जहाँ भूल करने जाते हो पूरे मैसेज देता है, संदेश देता है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये कृता है, ये आकृत है, ये करने योग्य है, ये नहीं करना है, आपको वो संदेश देता चलता है। इस तरह नाम आपको मुक्ति की तरफ ले चलेगा। नाम में बहुत बड़ी ताकत है। और नाम ध्यान बल हंसागर जाई। वाह भाई वाह, कार्य काल तुम करो बड़ाई। साहब कह रहे हैं नाम और ध्यान के बल पर ही आत्मा अपने देश में जाएगी। कैसे? अब नाम, नाम हमेशा आपको चेतन करता रहता है। ध्यान कैसा? किसका ध्यान? ध्यान गुरु का।
बिल्कुल भी आपकी श्रुति को रिचार्ज कर देगा, बिल्कुल भी। इसलिए साहिबाणी में गुरु के ध्यान का महात्म इंगित कर रहे हैं, सुरत बांध स्थिर करो। धर्मदास जी ने साहब से एक शंका पूछी, अनद ज्ञान अगम अपारा, ये ब्रह्मांड का खेल बड़ा अगम अपार है, कैसे भवन उतरा हूँ पारा, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, हे गुरुवर कृपा करके ये बतलाओ, इतनी विराट पड़ रहे रास्ते में तो किस तरह से संसार सागर से पार हो सकता हूँ। साहब ने कहा सुरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाए, ध्यान बांध करके स्थिर करना, गुरु में समा दे। कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखा है, अगम पंथ की प्राप्ति हो जाएगी। वाह भाई, इसका मतलब है गुरु का ध्यान इतना बड़ा महात्म, शर्त यह है जिसका भी ध्यान करोगे उसका रूप आ जाए, उसके गुण आएंगे। महाभारत में एक सुंदर वृतांत मिलता है, एक लव्य जी द्रोणाचार्य के पास में जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गए, प्रार्थना की, द्रोणाचार्य जी ने सोचा ये जंगल में रहते हैं, भील है, अगर ये शस्त्र विद्या मैंने अनुपम इसको दी, जीव जंतुओं को मारेगा, हिंसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं राजकुमारों को केवल धनुर्विद्या देता हूँ। उसने कहा मैं भी राजकुमार हूँ, भील राजकुमार हूँ। खैर द्रोणाचार्य जी ने उनको विद्या नहीं दी, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उसी को आदर्श रख करके धनुर्विद्या प्राप्त की और धनुर्विद्या में इतने माहिर हो गए अर्जुन के समकक्ष पहुँच गए। एक प्रमाण मिलता है गुरु की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसके गुण ले लिए थे। जिसका भी आप ध्यान करेंगे उसके गुण आएंगे, भूत का ध्यान करोगे खुद भी भूत बन जाओगे पक्का, जिसका भी ध्यान करोगे उसी का तद्रूप हो जाएंगे। इसलिए ध्यान करने योग्य क्या है फिर, न तो हम देवत्वों के खिलाफ हैं, न तो गण गंधर्व ऋषि किन्नर ऋषि मुनि यक्ष किन्नर किसी के खिलाफ नहीं है, पर प्रमाणित ध्यान किसका, शास्त्र बोल रहे हैं किसका ध्यान किया जाए, सब अपनी अपनी जगह है, पर शास्त्रानुकूल प्रमाणित और मान्य ध्यान कौन सा है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, ध्यान गुरु का कीजिए, पूजा गुरु की पूजिए, सब पूजाते हैं माए। वह साहेब ने कितना बड़ा महात्म बोला, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणन पाए, सात दीप नवखंड में गुरुते बड़ा न कोए, करता करे न करी सके गुरु करी सोए। अर्थात ध्यान मूलम गुरु रूपम, ऋग्वेद के श्लोक में भी मैंने कई बार ये श्लोक बोला है, सहस्राणी कल्प काशी वसंत यत्फलम क्षणार्धी शब्द थे शब्द गुरु चिंतते यत अधि अधिकम, सहस्राणी कल्प काशी वसंत यत्फलम, सहस्राणी कल्प काशी में निवास करके अगर विद्या अध्ययन वेद पाठ करे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा, सहस्राणी कल्प काशी वसंत यत्फलम क्षणार्धी गुरु शब्द गुरु चिंतते यत अधि अधिकम, क्षणार्धि एक क्षण का आधा हिस्सा भी अगर सदगुरु का ध्यान कर रहा है उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। तंथिर मंथिर वचन थिर सुरत निरथ थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोय, अर्थात वो क्षण लाजवाब है। वेद भी कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरुपादकम आदि शब्द इंगित कर रहे हैं कि ध्यान गुरु का, पर गुरु कैसा इसकी व्याख्या पहले दी, अगर गुरु आपका चोर है उसका ध्यान करोगे पक्के चोर बन जाएंगे आप, पक्के चोर हो जाएंगे आप। तन मन बाको दीजिए जाके विषया ना आए, पानी पीजिए छान के गुरु कीजिए जान के, गुरु में माया है आप में भी आएगी फिर पार कैसे होंगे, गुरु में ममता है आप में भी आ जाएगी, गुरु में वासना है तो आप में भी आ जाएगी। जिसका भी ध्यान करोगे उसका, जिसका जूठा खाओगे उसके भी लक्षण आएंगे, जिसका भी ध्यान करोगे उसके भी लक्षण आएंगे। इसलिए हमारी हिंदू धर्म की परंपराओं में संत महापुरुषों का शीत प्रसाद भी लिया जाता है ताकि उनके गुण हम में आए। ध्यान और ये चीज़ें यहाँ तक भी कह दिया, पहले आप देखें शास्त्र यहाँ तक कह रहे हैं कि जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं जिस आदमी की नज़र पड़ी उसकी वृत्ति भी भोजन में आ जाएगी, उसकी भी वृत्ति आ जाएगी, निगाह पड़ी उसकी भी वृत्ति आ जाएगी, और ये कहीं कहीं तक हमारे धर्म में इस बात को मान्यता भी दे रहे हैं, आपकी आत्मा निगाह में निवास कर रही है। जैसे भी आदमी को आप देखेंगे, जैसे आदमी की दृष्टि में देखोगे उसकी वृत्ति भी आएगी आपके पास में। जब गुरु का दर्शन करने से आपके अंदर दिव्य शक्तियां आ सकती हैं तो दुष्ट का दर्शन करने से दुष्ट वृत्तियां भी तो आएगी। गोस्वामी जी रामायण में इसको बड़े सुंदर रूपक से बता रहे हैं, बल बर वास नरक देहुताता
दुष्ट संग जन देह विधाता। हे सद्गुरु, हे प्रभु, भले ही नर्क का वास देना मुझे मंजूर है, दुष्ट का साथ नहीं देना ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। आपके साथ में वो शक्तियां काम कर रही है। इसलिए एक चीज हमेशा मैं कहता हूं, गुरु भाई का नाता भी बहुत बड़ा है। कबीरा संगत साथ की, प्रभु की लावे याद, वाह 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 वाह, लेखे में वाई घड़ी, बाकी की सब बात। जिस भी आदमी का आप देखेंगे उसका इफेक्ट आपके चित्त पर आएगा। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस बांस की मिसरी एक है भाव विकाय। कभी कभी आप सब महापुरुषों को कहते हैं अपने घर में चरण रखो, वाह भाई वाह। अब आपके घर में चरण रखा, जब आपके घर में चरण रखा, क्यों रखा है? उसका एक इफेक्ट आपके घर में पहुंचा, वो हमेशा रहता है। दुष्टात्मा जब आपके घर आई तो उसकी भी रेज आपके घर रह जाएगी, ठीक है? बिल्कुल ये सिद्धांत बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है। ए मैन इज बेटर ओनली विद द बैड कंपनी। बुरी संगत से तो आदमी अकेला ही भला, ठीक है, दीवार के साथ बैठ के बात कर लेना, वो भी ठीक है, पर संगत उत्तम नितांत आवश्यक है। इसलिए कहत कबीर, सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, तू नाम स्मर पछताएगा। इसलिए साध कौन? जो गुरुमुख लोग हैं वो परम साध हैं। इसलिए उनके दर्शन, उनके मेल, उनको देखने से भी बड़ी शक्तियां आप में। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है, मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है, तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे, तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।